Her body's gold like September. She burns through the night like an ember. And all those things we try forgetting, I remember. But we say we are. Good morning, adab, namaskar, sat sri akal, mere pyare darshakon. Main aapka host aur dost Octopus aap sabhi ko swagat karna chahta hu hamara pyara sa channel jiska naam hai Cricket Prediction with Octopus Bhai. प्रेडिक्शन से पहले आप सभी को कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इन वीडियो का आप आनंद लेता रहे अनलिमिटेड. आज का हमारा प्रेडिक्शन है CSK वर्सेस RCB. IPL का पहला मैच है, बहुत ही दमदार मैच होने वाला है करीबन 8 बजे, जिसे हम लोग और तरफ से और दूसरी तरफ से अगर कहते हैं तो CSK को ब्रेन कहा जाता है और RCB को पावर कहा जाता है, मतलब ब्रेन वर्सेस पावर. जहां आपको बताना चाहूँगा कि जिसमें CSK ने पिछले मैचेस में RCB को कई करारा डोमिनेट किया है, कई मैचेस में शिकस्त दी है. चलिए बिना वक्त ज़ाये किए बढ़ते हैं हमारे प्रेडिक्शन की तरफ, और हमारा पहला सेक्शन है ओवरव्यू सेक्शन. चलिए बात करते हैं प्लेयर्स टू वॉच बैट्समैन की. वाटसन का 9 मैचेस खेल चुका है, रन है 364, एवरेज है 45.50 और स्ट्राइक रेट है 151.03. जहां आप लोग देख ही सकते हैं कि बिग बैश लीग में वाटसन का अच्छा बैटिंग का करियर था और अच्छा बैटिंग भी किया और उनका फॉर्म भी अच्छा खासा चल रहा है. और एविडविलर्स का है 8 मैचेस में 358 रन, एवरेज है 71.60, स्ट्राइक रेट है 186.45. जो PSL में अच्छा तो इतना नहीं किया है लेकिन एवरेज, लेकिन जिसमें अगर कंपेयर करें तो वाटसन का पल्ला भारी है. अंबर्ती रायडू वर्सेस विराट कोहली, 10 मैचेस 319 रन, एवरेज 39.87, स्ट्राइक रेट 142.41. जहां विराट कोहली का है 10 मैचेस 329, एवरेज है 41.12, स्ट्राइक रेट है 137.08, जिसमें विराट कोहली का पल्ला भारी है और पिछला मैचेस में अपना अच्छा खासा शतक भी बना चुका है. प्लेयर्स टू वॉच बॉलर्स में देखते हैं जडेजा, 10 मैचेस 10 विकेट्स, इकोनॉमी 7.06, स्ट्राइक रेट 18.6. और यहाँ यादव का है 10 मैचेस 13 विकेट 7.34 और स्ट्राइक रेट है 17.1. पिछला मैचेस जहाँ ODI में अच्छा प्रदर्शन किया है जडेजा ने, विकेट भी चटकाए हैं, लेकिन आज का मैं कहना चाहता हूँ कि आज का जो मैच है इसमें यादव का पल्ला भारी रहेगा, वो अपना बेस्ट से बेस्ट दिखाएगा. और बात करें SN ठाकुर की तो 8 मैचेस से 8 विकेट, इकोनॉमी 8.79 और स्ट्राइक रेट 21.5. और मोहम्मद सिराज का है 10 मैचेस 11 विकेट, इकोनॉमी 9 और स्ट्राइक रेट है 20.1. इसमें भी कहना चाहूँगा कि मोहम्मद सिराज का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आज का मैचेस में. बात करते हैं लास्ट टू मैचेस की बात करते हैं 2018 की, जहां CSK ने RCB को करारा शिकस्त दिया है. और स्क्वाड की बात करें तो सभी को मालूम ही है प्लेयर्स में CSK की, MS धोनी है, KM आसिफ है, बिलिंग्स है, DJ ब्रावो, चाहर, DL चाहर, बाद में फैट डुप्लेसी. और RCB में है विराट कोहली, नाथ, एम अली, चहल, कौटन नायल, ग्रैंड होम, एविडविलर्स, गुरप्रीत सिंह और कई लोग हैं. चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन जिसका नाम है मैच प्रेडिक्शन. आज का हमारा डायरेक्टली मैच प्रेडिक्शन इस प्रकार है, टॉस 100% RCB जीतेगा, फील्डिंग लेगा और CSK का स्कोर रहेगा 160 से 164 और आज का मैच RCB जरूर विन करेगा. और आपको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहूँ तो आज दिन है शनिवार, अगर RCB ग्रीन
जर्सी लगाती है तो आरसीबी जरूर हारेंगे, जरूर हारेंगे। अगर रेड जर्सी लगाती है और फील्डिंग करती है तो आरसीबी जरूर विन होगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन जिसका नाम है इफ एंड हाउ। इफ एंड हाउ, अगर टॉस बाय चांस सीएसके जीतती है और आरसीबी का स्कोर 180 प्लस रहती है तो आरसीबी जरूर विन होगी। अगर आरसीबी का स्कोर 170 से लेके नीचे रहती है तो सीएसके विन होगी। धन्यवाद। इतना में हमें अपना प्रेडिक्शन समाप्त करना चाहता हूँ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए ताकि आईपीएल की हर मैचेस की प्रेडिक्शन आपको इसी प्रकार मिलता रहे। धन्यवाद। शुभरात्रि। बेस्ट ऑफ विशेस विद द आईपीएल।